Very good evening, everybody. Starting with the lecture, I'll be sharing the screen. Okay? तो मुझे बताओ तुम लोग को मेरे पीपीटी दिख रही है कि नहीं. ओके yourself, बिकॉज मुझे नहीं yes. दिख रहा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन मीटिंग में है नहीं है. तो भी आई होप यू ऑल आर विद द चैप्टर. ये बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंड टॉपिक है. ठीक है. हमने ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक में बहुत कुछ देख चुके हैं. हमने अल्डोजेस कीटोजेस के स्ट्रक्चर्स भी देख चुके हैं. ठीक है. इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था. क्या ये स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मिस. ओके. सो अभी देखो, एक बार मैं क्विक रिवीजन करती हूँ. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर किस बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है. ठीक है. अभी ध्यान देना, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है. यस. एंड फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप होता है. ठीक है. और पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि दो, हाँ, और अल्डोजेस और कीटोजेस, सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ऐसा होता है कि OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑन कार्बन नंबर 3. याद रखने वाली बातें हैं. ठीक है. ये तो हम सब ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है. अब मुझे इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रिंग स्ट्रक्चर में डालना है. ठीक है. अब ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज फिक्स्चर प्रोजेक्शन. नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रिंग स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे इसको रिंग में बनाएंगे, तो वो हम लोग इस क्लास में कंप्लीटली स्टडी करेंगे. ओके. लास्ट लेक्चर सबको क्लियर है? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी ही पूछो, बिकॉज आगे जाके The structures are going to be more complex. Okay? पूछो अभी, किसी को कुछ डाउट है? No doubts? Okay. So starting with the new section. अभी ये देखो, conversion of fixture projection into ring structure. इस ring structure को ना Haworth projection बोलते हैं. जैसे हम fixture projection बोल रहे हैं ना, वैसे ही रिंग स्ट्रक्चर को Haworth प्रोजेक्शन बोलते हैं. वो हम आगे देखेंगे. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो अभी आपको समझेगा नहीं, मैं आपको सिंप्लीफाई करके एक स्लाइड में बताती हूँ. अभी देखो. ओके. वन सेकेंड, I'm making in horizontal way, okay? Sorry, vertical way. तो ज़्यादा space मिलेगा. अभी देखो, I am making a glucose का structure, हाँ? First carbon number 1 पे क्या आएगा? हमारा aldehyde group. H. Sorry. और यहाँ पे भी आएगा OH. है? और यहाँ पे OH. ये तो सबको पता है ना. कि ये जो O है मेरा, ये जो मेरा OH, इस O के पास आ जाएगा. समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर ध्यान से देखो. ये जो मेरे पास H था, ये H goes to this O to form OH. अभी यहाँ पे O नहीं होगा, यहाँ पे OH हो जाएगा. ठीक है. See, same चीज हो रही है यहाँ पे. मेरा जो O था, कार्बन नंबर 5 का जो O था, this was 1, 2, 3, 4, 5. देखो, कार्बन नंबर 5 पे है ना ये OH, और कार्बन नंबर 1 का, तो जो कार्बन नंबर H का, कार्बन नंबर 5 का जो OH था, उसका H goes to कार्बन नंबर 1 का O to form OH. Is this clear?
अब क्या होता है, यहाँ से ओ एच निकल गया और उधर ओ एच हो चुका है, बट यहाँ पे मेरे पास एक ओ तो बाकी है ना, और यहाँ का भी देखो, 1 2 प्लीज म्यूट एवरीबडी, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 उसकी वैलेंसी थी, बट कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए ये सी और ओ के साथ एक बॉन्ड बनाता है, क्लियर। अब ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन चुका है, मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बना है। रिंग स्ट्रक्चर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में बना है ना, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा। और एक बात, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे एक OH ऐड हो जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ तक समझा है सबको? एनी डाउट एनीबडी? नो वन? ठीक है, आगे जाते हैं। अभी ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, राइट? देखो यहाँ पे अभी क्लियर होगा, ये जो यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर है वो क्लियर है सबको। अभी इस रिंग, अब ये तो वैसे रिंग स्ट्रक्चर है बट फिक्स्चर प्रोजेक्शन में ही है, मुझे इसको हैवर्ट प्रोजेक्शन में लाना है, तो मैं क्या करूँ? देखो स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये तो हम लोग ने पहले ही बनाया था, ठीक है। अभी देखो मुझे एक ऐसा रिंग मैंने फॉर्म किया है, दिस इज द रिंग विच आई नीड टू फॉर्म। अभी इसमें ओ इज अटैच टू कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 1, ठीक है। तो जब मैं ये स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये जो ओ यहाँ पे अटैच है वो इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 से अटैच होगा, ठीक है। ये मैं स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रही हूँ, अभी तक मैंने इसमें ओ एच एच नहीं डाला है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 के बाद क्या है? कार्बन नंबर 2, तो दिस बिकम्स माई कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 के बाद क्या है? कार्बन नंबर 3, सो दिस बिकम्स माई कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 के बाद क्या है? कार्बन नंबर 4, तो ये कार्बन नंबर 4, और कार्बन नंबर 5 तो ऑलरेडी ओ से अटैच है, ठीक है ना। अब कार्बन नंबर 6 का क्या होगा? आप लोग पूछोगे कार्बन नंबर 6 का क्या होगा मैम, तो देखो कार्बन नंबर 6 जो है वो रिंग के बाहर है ना, सिर्फ ये पोजीशन हमारे रिंग के अंदर है, ये वाला पार्ट जो है वो रिंग के बाहर आ रहा है, राइट। और वो किससे जुड़ा है? कार्बन नंबर 5 से जुड़ा है, इसीलिए मैंने C2, ये ना C6 नहीं है, वो C2OH है, वो 6 पर कार्बन का पोजीशन बता रहा है, ठीक है। अभी देखो मेरे पास एक स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है जहां पे O है, ये O है, O किससे जुड़ा था मैंने देखा, कार्बन नंबर 5 से जुड़ा था, कार्बन नंबर 1 से जुड़ा था, तो 1 एंड 5 मैंने पहले लिख दिया कि मुझे कंफ्यूजन ना हो। अब मैं देखूंगी कि सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब मुझे इसके अंदर OH और H डालना है, तो एक चीज ना अच्छे से समझ के रख लो, जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है, ओके आर यू गेटिंग दिस, जो भी हमारे पास राइट साइड पे होता है, सॉरी मतलब आप देख रहे हो तो हमारा राइट, ओके आप हमारे राइट पे जो होता है वो रिंग स्ट्रक्चर के नीचे होता है, मतलब जब मैं ऐसा समझो ये मेरा स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना है और मुझे ऐसा लाइन मारना पड़ेगा, तो जो भी मेरे राइट साइड में होगा वो मेरे नहीं, अभी समझो मेरे राइट साइड में एच है तो मैं यहाँ एच लिखूं, और मेरे लेफ्ट साइड में ओ एच है तो मैं ओ एच ऊपर लिखूंगी, समझा। तो याद रखना है जो भी चीज लेफ्ट में होती है वो ऊपर होती है, जो भी चीज राइट में होती है वो नीचे होती है, तो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ध्यान से देखना। हाँ देखो मैंने पहले ओ बनाया, मुझे उससे पहले मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पायरान रिंग, आगे हम पढ़ेंगे बट पहले ही बता रही हूँ पायरान रिंग। अब मुझे पता चल चुका है कि दिस कार्बन, अच्छा आपको ऐसे नहीं समझेगा, आई नीड टू ड्रॉ कार्बन, अच्छा ठीक है, दिस इज कार्बन, कार्बन
ओके, सो ओ इज अटैच टू कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, इतना मुझे पता है, ठीक है. अब मुझे इसके पास बॉन्ड्स बनाने हैं, तो मैं पहले बॉन्ड्स के लिए लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ. नीचे वाला बॉन्ड नहीं बन रहा है, मैं डायरेक्ट बॉन्ड लिख दूंगी यहाँ पे साइड में, ठीक है, दिस इज पॉसिबल. ठीक है, अब मैंने बोला था कि जो भी लेफ्ट राइट में होगा वो नीचे होगा और जो भी लेफ्ट में होगा वो ऊपर होगा. तो अभी स्ट्रक्चर देखो, ये वाला इसमें कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. कार्बन नंबर 2 पे हाँ, पहले हम लोग कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. कार्बन नंबर 2 पे OH इज ऑन राइट साइड, तो वो किधर आएगा, नीचे आएगा. याद रखो, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, ऐसे सोचो, ठीक है. तो राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, तब इस स्ट्रक्चर में OH राइट में है, मतलब वो किधर आएगा, नीचे. H लेफ्ट में है, मतलब वो किधर आएगा, ऊपर, ठीक है. अभी इसमें कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 2 ना, इस पे OH कहाँ पे था, राइट में, तो वो किधर आएगा, नीचे. H किधर था, ऊपर, समझा. अभी कार्बन नंबर 3, चलो हम इधर से ही देख लेते हैं. कार्बन नंबर 3 में OH किधर है, लेफ्ट में, और H किधर है, राइट में. ये तो यही तो है एकदम डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, कि कार्बन नंबर 3 पे हमारा OH इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है. तो देखो यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऊपर, लेफ्ट मतलब ऊपर, राइट मतलब नीचे. अभी वापस आते हैं कार्बन नंबर 4 पे आते हैं. इस पे OH इज ऑन राइट साइड, राइट मतलब नीचे, तो OH नीचे, H ऊपर. अभी कार्बन नंबर 5 पे आते हैं. कार्बन नंबर 5 का 4 वैलेंसी है, एक तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है कार्बन नंबर 4 से, एक ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है O से, एक O ने ले लिया ना, देखो एक O ने ले लिया यहाँ पे, और एक कार्बन नंबर 4 ने ले लिया. बचा दो बॉन्ड, एक जुड़ा है कार्बन नंबर 6 से, विच इज C2, विच इज CH2OH, है ना, विच इज CH2OH. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, CH2O, सो सॉरी, H. और क्या बचता है, एक कार्बन नंबर 5 के पास एक H भी है ना यहाँ पे, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ. अब बचा कार्बन नंबर 1. कार्बन नंबर 1 पे जब ये सब कुछ फॉर्म हो गया, जब मेरा रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, तो अभी वहां पे दो चीजें हैं मेरे पास. यहाँ मेरे पास एक OH है और एक H है, ठीक है. जब भी अभी यहाँ पे देखो, मेरा OH किस साइड पे है, राइट साइड पे, मतलब वो किधर आएगा, नीचे. मेरा राइट मतलब नीचे, ठीक है. तो देखो अब ये मेरा कार्बन नंबर 1 था, मेरा OH वॉज ऑन राइट साइड, इसीलिए मैं उसको किधर लिखूंगी, नीचे. लेफ्ट पे क्या था, H, लिखूंगी यहाँ H. इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर ग्लूकोज. यही रिंग स्ट्रक्चर पूरे चैप्टर में आगे पढ़ना है. तो अगर ये स्ट्रक्चर अभी कैसे बनाया वो नहीं समझा, सो यू आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड. किसी को कुछ भी डाउट है अभी बोलो, मैं सब वापस से समझाऊंगी. वापस से देखे एक बार, हाँ या ना बोलो जल्दी. हाँ मिस. हाँ वापस से देख. ओके ठीक है, चलो अब मैं इस वाले स्लाइड पर बनाती हूँ. चल ठीक है, वापस देखेंगे. सबसे पहले ये स्ट्रक्चर वापस, ये तो पूरा एकदम बेकार हो गया ना स्ट्रक्चर. ठीक है, इस वाले पे जाते हैं. अभी इस वाले पे ना ये वाला स्ट्रक्चर देखना, ये वाला,
जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, अभी उस पे ध्यान दो, ठीक है? ये वाला स्ट्रक्चर से हम लोग हमारा रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हमारा रिंग स्ट्रक्चर ओवरऑल कैसा दिखने वाला है वो मुझे पता चल चुका है। मेरा रिंग स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ठीक है? ये याद रखो, दिस रिंग इज नोन एज पायरान रिंग, रिमेम्बर द नेम पायरान रिंग, ठीक है? अब मुझे ये वाले स्ट्रक्चर को इसमें ट्रांसफर करना है, तो मैं वापस से दिखा रही हूँ। देखो, मैंने पहले ओ बनाया, ठीक है? मेरा जो रिंग है, मैं ऑक्सीजन है, मैंने पहले वो बनाया, ठीक है? मैं पहले ना एक स्केलेटल फॉर्म कर रही हूँ, स्केलेटल डन, ओके? नाउ विल अगेन कम बैक टू द स्ट्रक्चर। अभी इसमें ओ इज अटैच टू कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 1, ठीक है? तो मुझे समझ गया, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5, ठीक है? अब मुझे बाकी, अब मुझे रिंग स्ट्रक्चर पता चल चुका है कि ये ही मेरा रिंग है। अब मैं इसके अंदर OH और मेरे H फिल करूंगी, ठीक है? अभी देखो, इस पार्ट में ये OH समझो मैंने ऊपर लिखा है, बट अगर ये राइट साइड में होगा इधर, ठीक है? अगर मेरा OH इज हियर ऑन राइट साइड, तो मैंने क्या बोला था, अगर OH इज ऑन राइट मतलब वो नीचे आएगा, तो कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे आया। लेफ्ट पे क्या है, H, कार्बन नंबर इधर H, कार्बन नंबर 1 का जॉब इज डन। नाउ विल मूव टू कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे देखो, ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है। कार्बन नंबर 2 पे OH, मैंने यहाँ पे ना OH नहीं लिखा है, हाँ, हर जगह यहाँ पे हर जगह OH है। इस स्ट्रक्चर को देखो, मैंने सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखा है, राइट साइड नहीं लिखा है। आप लोग राइट साइड समझ जाओगे ना, बिकॉज यहाँ पे अगर एच है तो यहाँ पे OH ही होगा, राइट? तो वो यहाँ पे मेरे पास OH है, विच इज ऑन राइट साइड। राइट साइड बोला तो मतलब नीचे, और लेफ्ट साइड पे क्या है, H, H। अभी कार्बन नंबर 3 पे आते हैं, विच इज दिस। अभी इसमें तो हमें पता है ना कि OH हमेशा लेफ्ट में होगा और H राइट में होगा, तो ये एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, इसलिए मैं उसको अलग पेन से लिख रही हूँ। OH, H, ठीक है? अभी कार्बन नंबर 4 पे आओ, उसी के नीचे वापस से OH इज ऑन राइट, राइट मतलब नीचे और H ऊपर, ठीक है? अब कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 5, ठीक है? मैं दिस इज कार्बन नंबर 5, ये वाला, इसका वैलेंसी देखो कहाँ पे है, एक ऑक्सीजन के साथ है, एक पूरे रिंग, एक पूरा जो ऊपर कार्बन नंबर 4 है उसके साथ है, एक H के साथ है, और एक CH2OH के साथ है। तो जो CH2OH के साथ है वो मुझे ऊपर लिखना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा CH2OH, और क्या बचा रह गया, H, बिकॉज बाकी सब वैलेंस सेटिस्फाई करा ना, O के साथ भी हो गया, कार्बन नंबर 4 के साथ भी हो गया, CH2OH के साथ भी हो गया, क्या बाकी रह गया, सिर्फ H, तो H किधर आएगा, नीचे। क्लियर सबको? सिर्फ पॉसिबल, तुम लोग भी अपने अपने बुक में मेरे साथ बनाओ। हेलो, यस यस मिस, आप लोग भी फॉर्म करो, मतलब साइमेंटेनियसली करोगे तो कैसे प्रैक्टिस होगा, अगर आप बाद में, अभी बुक पेन लेके बैठे हैं सब? यस, हम हमिश, जो नहीं बैठे हैं प्लीज एक बुक और पेन लेके बैठो फटाक से, जल्दी एकदम फास्ट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। And open your cameras. Hardik, आपको समझा स्ट्रक्चर? Yes, sir. सबको समझा स्ट्रक्चर कैसे बनाया है मैंने?
स्टेप वाइज फॉर्म होगा तो समझेगा सबको, समझा ना? पहले रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, कार्बन देखना है, जो मेरा ऑक्सीजन है वो हेलो 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 एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं ना, नहीं नहीं अभी नहीं हो रहा है। वन सेकेंड। अभी हो रहा है? यस मिस हो रहा है। हाँ दिस इज माय टाइम टेबल, ओके? इट्स माय कॉलेज टाइम टेबल, ओके? ओके तो कहाँ पे थे हम लोग? ओके सो व्हाट आई वाज टॉकिंग कि जो भी स्ट्रक्चर राइट में होगा, अभी दिख रहे हूँ ना मैं सबको, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ तो जो भी स्ट्रक्चर, खुद का भी फेस देख रहे होगे तुम लोग तो, हेमांगी, ओमकार शिंदे, तेजस। तो जो भी स्ट्रक्चर राइट में होगा वो एक नीचे जाएगा, और जो भी लेफ्ट में होगा, अभी से मुझे देखो, जो भी स्ट्रक्चर राइट में होगा वो नीचे होगा, जो लेफ्ट में होगा वो ऊपर होगा, बस यही आइडियोलॉजी लेनी है, ठीक है? तो जो लोग भी, जिनके पास ये बुक पेन है, फटाक से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फास्ट, शो मी, ड्रॉ विथ मी, नहीं तो ठीक है मैं वापस से स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ठीक है? वापस से देखना। आमीश, हाँ साहिल, आमीश एक डाउट था, वो CH2OH कार्बन नंबर 5 के नीचे नहीं आ सकता? नहीं, वो हमेशा ऊपर है, क्योंकि हमने उसको ऐसे देखो, अभी हम लोग जो हमें पता है कि जो H है राइट, वो हमेशा लेफ्ट में है, समझ रहे हो? इसलिए हमने उसको नीचे लिया है, और क्योंकि देखो जो CH2OH है ना, मुझे उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करना होगा आगे जाके, तो मैं उसको नीचे नहीं ले सकती, मैं उसको रिंग के अंदर कॉम्पैक्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे देखो ऐसे तो हम लोग बात करें तो इट्स अ 2D स्ट्रक्चर राइट, बट जब ये हमने मॉलिक्यूल देखा है, वो उनकी तरफ हर जगह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? तो वो बात अलग हो जाती है, बट जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तभी हमें उसको ऊपर ही दिखाना है, बिकॉज मैं जब फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखूंगे, और जब हम लोग सुक्रोज बनाएंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इक्वल्स टू सुक्रोज, जब मैं सुक्रोज बनाऊंगी तब मुझे वो C2OH की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? तो मैं उसको नीचे नहीं ले सकती, तब मुझे बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए हम उसको ऊपर रखते हैं और H को नीचे, बिकॉज H इज नॉट अ हैवी ग्रुप ना, H इज अ लाइट ग्रुप, वो रिंग को इतना डिस्टर्बेंस भी नहीं देगा, और हमें स्ट्रक्चर्स बनाने को भी इजी होता है। आप हर टेक्स्ट बुक में देखो, हर नोट्स में देखो, एंट्रेंस बुक में देखो, CH2OH इज ऑलवेज अप, ओके? क्लियर? क्लियर? इसके प्रॉपर नोट स्ट्रक्चर कुछ मिलेगा ऐसा जो हम लोग लिख सकते हैं? ओके वेट वेट वेट, आई विल शो यू, मेरे पास ना, हाउ टू चेंज द कैमरा, सी आई हैव मेड प्रॉपर नोट्स फॉर दिस, ठीक है? मेरा मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स का जो नोट्स इस बार मैं दे रही हूँ, वो मेरे पास अच्छे से नोट्स है। अगर आपको चाहिए, मैंने सब नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, ठीक है? बट इफ यू वॉन्ट आई कैन गिव यू द बुक रेफरेंस ऑल्सो। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो स्ट्रक्चर्स। आपको अगर एंट्रेंस बुक्स के अगर स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है तेजस? ओके मिस। ओके और किसी को डाउट है स्ट्रक्चर में?
स्ट्रक्चर बना के दिखाओ जल्दी मुझे. ओमकार शिंदे शो मी द स्ट्रक्चर फास्ट. किधर बना रहा है? बुक नहीं है तेरे पास? अच्छा ठीक है. हिमांगी शो मी द स्ट्रक्चर. आप लोग ने मेरे से एक बार वापस दिखाओ ना वो स्ट्रक्चर का. हु इज दिस? कौन बोल रहा है? ओम पवार. ओके ओम पवार, वापस से दिखाओ स्ट्रक्चर. ठीक है, वापस से फुल स्ट्रक्चर फॉर्म करूं? नहीं मिस, खाली दिखाओ वो समझ गया फॉर्म कैसे करते. अच्छा वेट. दिस इज द स्ट्रक्चर. रुको अच्छे से दिखा. अच्छे से तो कुछ दिखेगा नहीं अभी. अच्छा ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो. यही देखो. कांट हेल्प यू आउट. हो गया तो मुझे बोलना है. आई नीड टू चेंज द स्लाइड. ओके रमेश, दो मिनट रुको बस. अभी देखो सब लोग सुनो, अभी मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी ऐसे ही रिंग में. आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ बुक एंड अ पेन एंड सिट विथ मी. ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर्स में वीडियो आपको दे दूंगी, आप लोग समझ जाओगे. बट ये अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ही आपको नहीं समझेगा तो फिर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है वो सब भी इवेपोरेट हो जाएगा. डन? यस मिस. ओके सो प्लीज टेक द बुक्स एंड पेन एंड सिट विथ मी, बिकॉज अब मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बताऊंगी. उससे पहले आई एम गोइंग टू शो यू अबाउट. हेलो 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 हेलो, वो मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है शायद से. मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है तो मैं एक बार लीव करने को बोलते हूँ. अभी आप नया टॉपिक चालू कर रहे हैं ना, तो लीव करके बाद में फिर ऐड करते, वैसे करते फिर कि अभी टाइम खत्म होगा, फिर बीच में टॉपिक कट हो जाएगा. तो मैं एंड करता हूँ मीटिंग और वापस वही लिंक पे सब लोग ऐड हो जाओ. एंड तो करो. यस हाँ चलो चालू करो. ओके तो यहाँ तक हम लोग ने क्लियर था हम लोग को कि हमने ऑलरेडी पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया था. अभी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को नेम करने का भी एक आयुपैक ने सिस्टम रखा है, वो बहुत इजी है, दो मिनट में हो जाएगा. देखते हैं. देखो अब देयर इज टू टाइप ऑफ ग्लूकोज, वन इज अल्फा ग्लूकोज एंड वन इज बीटा ग्लूकोज. अब ये किस डिसीजन पे लिया गया है कि अल्फा है कि बीटा है वो देखते हैं. अगर हमारा OH, okay. अगर हमारा OH is above, तो उसे बोलते हैं बीटा. अगर हमारा OH नीचे है उसे बोलेंगे अल्फा. सिर्फ कार्बन नंबर वन पे. हाँ, ओनली एट कार्बन नंबर वन. अगर ध्यान से सुनो, कार्बन नंबर वन पे OH ऊपर है तो मेरा वो बीटा होगा, और अगर वो नीचे है तो वो अल्फा हो. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है अल्फा और बीटा के लिए. अभी इसका नाम क्या है? इट इज बीटा डी प्लस. अभी डी प्लस क्यों है वो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके अभी मुझे देखना है, इट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस. जस्ट रिपीट, अभी मुझे आप लोग म्यूट हो बट रिपीट विद इन योर सेट. इट इज ग्लूकोपाइरानोस. वाई ग्लूको? The term gluco stands for glucose. Pyran, pyran stands for pyran ring. देखो यहाँ पे एक ring है. मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि this structure is derived from a pyran ring. इसीलिए यहाँ पे pyran. देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है. It is gluco pyran nose. O's क्यों है? Last class में समझाया था कि जो भी monosaccharides हैं उसको हम लोग O's बोलते हैं. Sucrose, lactose. ठीक है, माल्टोज, फ्रक्टोज, इरिथ्रुलोज, ओस आता है. ठीक है, इसीलिए इसका भी नाम है ग्लूकोपाइरानोस. ठीक है, इट्स ग्लूकोपाइरानोस. सो इट्स, अगर मैंने
तुम लोग को बोला राइट द स्ट्रक्चर फॉर अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, तो याद रखना कि कार्बन नंबर वन पे OH नीचे आएगा, ठीक है, बेसिक डिफरेंस है. अगर OH ऊपर है कार्बन नंबर वन पे तो इट्स बीटा, अगर नीचे है तो इट इज अल्फा, ठीक है. इज दिस क्लियर? अगर ये स्ट्रक्चर बनाना है आपके पास तो मैंने कल नोट्स आप लोग को भेजा ही था, बट इफ स्टिल इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू मेक द स्ट्रक्चर, किसको बनाना है कि आई स्टार्ट? हेलो, क्या मिस मैं आपको सुनाई दे रही हूँ? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मिस यू आर ऑडिबल. ओके, तो किसी को स्ट्रक्चर नहीं बनाना है तो मैं आगे जाऊँ? नहीं बनाने, किसी को नोट्स भेजोगे ना? मैंने नोट्स ऑलरेडी भेज दिया है. हु इज दिस? किसने पूछा ये? बर्थडे बॉय श्रवण, आई हैव ऑलरेडी सेंड द नोट्स. प्लीज आप एक बार नोट्स पे अपने हमारे ग्रुप पे एक बार चेक करो, मैंने कल ही भेज दिया था ये नोट्स, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नो इशू, नो इशू. दिस रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज हैवर्थ फार्मूला. ये तो मैं तब से बोल रही हूँ, इट्स अ हैवर्थ प्रोजेक्शन, इट्स अ हैवर्थ प्रोजेक्शन. एक नया चीज हम देखने वाले हैं विच इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. वॉट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड वॉट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि द हेमी एसिटल पार्ट ऑफ कार्बन नंबर वन विच इज ओ एच फ्री दस इट इज गिव्स अस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. इतना सब कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है. जब आपके कार्बन नंबर वन पे ओ एच ग्रुप फ्री होगा तो उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर. फॉर एग्जाम्पल ये ओ एच ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ये ओ एच ग्रुप फ्री नहीं है, इसके साथ यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल आ गया है, तो उसे हम बोलेंगे इट इज नॉट फ्री एंड देयर फॉर इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. बट यहाँ पे ओ एच फ्री है ना, कार्बन नंबर वन देखना है, बाकी सब हमारा मेन फोकस होगा कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर सिक्स ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए, बाकी किसी भी एटम को हमें हाथ नहीं लगाना है, ठीक है. अभी देखो कार्बन नंबर वन पे मेरा ओ एच ग्रुप इज फ्री, मतलब उसके पास कोई भी और चीजें नहीं है ना, वहां पे सिर्फ ओ एच है, अल्फा में भी और बीटा में भी, मतलब ओवरऑल जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर. टेक्सटबुक का आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन है, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू वहां पे ये बताया गया है, ठीक है. सिंस इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर इट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड पॉजिटिव फिलिंग्स टेस्ट. अच्छा ठीक है, ये जो दो टेस्ट होते हैं टॉलिंग्स टेस्ट और फिलिंग टेस्ट, ये हम लोग एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज टॉलिंग टेस्ट एंड व्हाट इज फिलिंग टेस्ट, ठीक है. याद रखना कि ये जो हमारा होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिर्फ वही टॉलिंग्स टेस्ट और फिलिंग्स टेस्ट देगा. हम देखने वाले हैं कि फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, बट वो टॉलिंग टेस्ट और फिलिंग टेस्ट कभी नहीं देता है पॉजिटिव, दो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर. क्यों? द रीजन इज कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप है, और ये टॉलिंस टेस्ट और फिलिंग टेस्ट इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड. देखो यहाँ पे लिखा है ओनली कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड विल गिव, ओनली कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड विल गिव द अबव टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है. दिस वॉज द कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग ने बात किया है. तो अभी हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है वो देखा है, और हम लोग ने वो रिड्यूसिंग शुगर है वो देखा. आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, गिव द एग्जाम्पल फॉर एनी वन रिड्यूसिंग शुगर, सो यू नीड टू नो कि हाँ ठीक है ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. गोइंग टू फ्रक्टोज नाउ. ओके अभी देखो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ, हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं फ्रक्टोज के साथ. इसमें इतना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग को, चलो देखते हैं. इसमें कार्बन नंबर टू पे मेरा कीटोन ग्रुप है. देखो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेक अ नोट ऑफ इट. सो जो मैं बताया मैं धीरे धीरे ही बोल रही हूँ, तो आप लोग भी अपने बुक में लिख सकते हो, साइमल्टेनियसली करो तो अच्छे से होगा. इस यही है उद्देश्य जूम लेक्चर लेने का, नहीं तो आई वुड हैव टेकन द रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है. चलो
अभी देखो मेरा यहाँ पे सी कार्बन नंबर टू पे कीटोन ग्रुप है और कार्बन नंबर फाइव पे OH इस साइड है, जो जैसा पहले किया था वैसे ही करना है, ठीक है। ग्लूकोज के टाइम पे क्या किया था कि ये कार्बन नंबर फाइव का OH का H वन पे ले गए थे क्योंकि तभी वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप था, बट अभी वहां नहीं ले जाना है, अभी कार्बन नंबर टू पे ले जाना है। देखो कार्बन नंबर टू पे ले गए तो देखो यहाँ पे मेरा OH आ गया और ये O यहाँ पे आ गया। क्या ये सबको समझा है? क्या मुझे वापस से उसी तरह रिपीट करने की जरूरत है कि सबको समझा है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस। एक को भी नहीं समझा रहेगा, आई लव यू नेक्स्ट टाइम। यस समझा मिस, समझा एवरीबॉडी? देखो सेम प्रोसेस हो रहा है, ये एच ओ के पास जाके ओ एच होगा और वो ओ एच यहाँ पे है, ठीक है, और बाकी एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए। इसे बोलते हैं हेमीकीटल, बोलते हैं इसको। इसे क्या बोलते हैं? हेमीकीटल। और जो पहले हमने देखा था उसे हेमी एसिटल बोलते हैं। एसिटल क्यों बोला? क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप था। यहाँ पे कीटल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, इसीलिए वो था हेमी एसिटल एंड दिस इज हेमीकीटल। डिफरेंस समझ गया? बार बार आपको ये, आप जब टेक्स्ट बुक गो थ्रू करोगे तो आपको बार बार ये नाम आएगा हेमीकीटल हेमीकीटल, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज हेमीकीटल स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना समझ गया सबको? अभी इस फिक्स्चर प्रोजेक्शन से मुझे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर मैं फॉर्म करने जा रही हूँ अभी नेक्स्ट में। देखो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म है, लेट मी शो यू हियर। अभी देखो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए मैंने पहले पायरान रिंग बनाया था। पायरान रिंग इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज फॉर ग्लूकोज, बट फॉर फ्रुक्टोज आई नीड टू मेक अ फ्यूरान रिंग। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिंग्स, बराबर है। दिस इज फॉर फ्रुक्टोज एंड इसको बोलते हैं फ्यूरान रिंग, ठीक है। तो चलो मैं देख बताती हूँ आपको पहले मुझे एक फ्यूरान रिंग बनाना है। फ्यूरान रिंग इज रेडी। अभी देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, देखते हैं। इसमें देखो कार्बन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। नहीं, पहले हम लोग नेमिंग कर देते हैं कि ऑक्सीजन किस किस को अटैच है। ऑक्सीजन किसको अटैच है? कार्बन नंबर टू को और कार्बन नंबर फाइव को। ग्लूकोज में किसको अटैच था? कार्बन नंबर वन को, बट इस बार किसको अटैच है? कार्बन नंबर टू को। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यही सब याद रखना है। तो मुझे पता चल गया कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन नंबर टू को अटैच है और कार्बन नंबर फाइव को अटैच है। तो ये कौन सा हुआ? ये होगा थ्री, ये होगा फोर, ठीक है। समझ गया अभी हम लोग। अभी हम लोग जाएंगे वापस स्ट्रक्चर के पास। कार्बन नंबर टू पे कौन है? ओ एच, ठीक है। कार्बन नंबर टू पे ओ एच है और क्या है? सी एच टू ओ एच। दो चीजें हैं मेरे पास, सी एच टू ओ एच भी है और OH भी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे OH was on left side, मतलब किधर आएगा? नीचे। सेम रूल्स हाँ, यहाँ पे OH नीचे और ऊपर आएगा CH2OH, ठीक है। अभी कार्बन नंबर थ्री पे क्या था? OH ऑन लेफ्ट, H ऑन राइट। बराबर। कार्बन नंबर फोर पे देखो OH ऑन राइट, H ऑन लेफ्ट। राइट पे क्या था? OH। तो राइट मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब ऊपर। सेम इधर भी यही होगा। हाँ, कार्बन नंबर फाइव इज डिस्टिंक्ट ना। अभी देखो कार्बन नंबर फाइव पे देखो क्या है? H है और C
H2OH वापस वैसा ही है. अभी इस पे CH2OH हमको ऊपर लिखना है जैसे हम लोग ने ग्लूकोज में लिखा था. तो इट इज CH2 पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे इधर C2 पे इस राइट वाला नीचे जाएगा ना. अभी आप लोग क्या बोल रहे हो कि ये जो OH यहाँ पे नीचे है ठीक है ये ऊपर होना चाहिए बराबर है ना. तो ये कब होगा जब भी OH इस साइड होगा. तो समझो कि ये OH इधर है. देयर इज टू पॉसिबिलिटीज जैसे हम लोग ने उधर देखा था ना अल्फा एंड बीटा में वैसे सेम इधर होने वाला है. लेट मी शो द स्ट्रक्चर. हाँ अभी ये स्ट्रक्चर देखो. अभी इसमें देखो OH किधर है नीचे है मतलब वो किधर होना चाहिए राइट में होना चाहिए ठीक है. अगर समझो यहाँ पे मेरा OH है अज्यूम करो कि ये OH इस साइड नहीं फॉल हुआ ये OH इस साइड फॉल हुआ राइट साइड में फॉल हुआ होगा ठीक है. तो फिर मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा. हाँ कि ना बोलो अच्छे से. नहीं समझा. समझा मैं वापस बोलू. रुको वापस बोलू. अभी इस स्ट्रक्चर को देखो. Wait, I'll show you the structure. Structure, सब लोग structure देखना अभी. हाँ यहाँ पे क्या है CH2OH यहाँ पे भी क्या है CH2OH. कार्बन नंबर 2 पे O डबल बॉन्ड O था जो यहाँ पे टूट के यहाँ से OH इधर गया ठीक है. और अब मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा है अभी समझो कि मेरा जो OH था जो यहाँ पे OH फॉर्म होगा ये जो H ऊपर जाएगा यहाँ पे समझो मेरा OH इज फॉलिंग ऑन राइट साइड समझ रहे हो. तो मेरा सेकेंड पोजिशन पे अगर मेरा इधर OH आ रहा है और ऐसे आएगा तो ये होगा अल्फा क्योंकि ये राइट पे है ना. तो जब मैं मेरा फ्यूरान रिंग बनाऊंगी तब मेरा कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे आएगा और CH2OH ऊपर आएगा. सबको समझ रहा है. अनम्यूट करो बिकॉज आई एम ड्रॉइंग ना तो मुझे पता नहीं चल रहा. हाँ मैं समझ रहा समझा. yes, और समझो ये H इसके पास गया और ये OH राइट में नहीं लेफ्ट में गिरा होता तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा होता. लेफ्ट लेफ्ट मतलब ऊपर. समझा. इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगी बीटा और मैं इस स्ट्रक्चर को बोलूंगी अल्फा. समझ रहा है. देखो अभी इस स्ट्रक्चर में देखो ठीक है. अभी इस स्ट्रक्चर में भी सेम वही चीजें हो रही है. अगर मैंने जैसे दिखाया अगर वो राइट में होता तो वो नीचे होता. तो अभी यहाँ पे जैसे ये नीचे है मतलब ये अल्फा हो गया और अगर वो ऊपर है तो वो क्या हो गया बीटा हो गया. ये सेम आप लोग ग्लूकोज के लिए भी कर सकते हो बट ये सिर्फ कार्बन नंबर 1 के लिए होता.
लेता है। साहिल ने जो क्वेश्चन पूछा था वो कार्बन नंबर 5 के लिए था, है ना साहिल? आपने ग्लूकोज के लिए पूछा था ना मुझे, तो उसमें भी अभी देखो तुम लोग इसके लिए पूछ सकते हो कि मैम ये CH2OH नीचे क्यों नहीं है, वो ये वाला। बट सिर्फ ये चीज कार्बन नंबर 2, मतलब इधर कार्बन नंबर 2 पे होती है और उधर ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे होती है, समझ गए? ये सिर्फ हम फर्स्ट कार्बन जो होगा ना हमारा रिंग के जो ऑक्सीजन के बाहर, उसके साथ ये सब करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं हाथ लगाना है, ठीक है? समझा? किस किस को चाहिए कि मैं रिपीट करूं? आई विल रिपीट इट, बोलो मुझे जल्दी फास्ट। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चंस, तभी आप बोलोगे। देखो अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे भी OH फ्री है क्या? देखो OH इज फ्री, कोई भी और कार्बन या कोई भी और मॉलिक्यूल उसके पास अटैच नहीं हुआ, इसे इसको मैं क्या बोलूंगी, रिड्यूसिंग शुगर। बट दिस फ्रुक्टोज विल नॉट गिव पॉजिटिव टॉलिंग टेस्ट एंड फिलिंग्स टेस्ट, वो सिर्फ हमारा एल्डिहाइड ही देगा। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अब मैं जिस जिस को बोलूंगी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके हार्दिक, यस मिस, समझा आपको? यस मिस। अच्छा मुझे बताओ बीटा ग्लूकोज में OH ऊपर होगा कि नीचे? मिस ऊपर। वेरी गुड, अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेया, यस मिस। कौन से श्रेया हो आप? मैं पारसी कर। अच्छा हेलो। अच्छा चलो बताओ मुझे कि व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर ग्लूकोज स्ट्रक्चर? हेलो हेलो हेलो, ग्लूकोपाइरानोज। वेरी गुड, अल्फा ग्लूकोपाइरानोज कब होता है? जब OH नीचे होगा। वेरी गुड, और बीटा ग्लूकोपाइरानोज कब होगा? OH ऊपर होगा। वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। अक्षय, हेलो अक्षय। हाँ मिस। मुझे बताओ कि रिड्यूसिंग शुगर कब बोलूंगी मैं? जब मॉलिक्यूल OH ग्रुप रिलीज करेगा। OH ग्रुप फ्री होगा, रिलीज नहीं करेगा, फ्री होगा, जब ही इज रेडी टू मेक बॉन्ड विद समबडी, ठीक है? और कौन सा OH? सब OH नहीं, जो भी ऑक्सीजन के बाद वाला वही वाला, ठीक है? म्यूट योरसेल्फ। अनूप, अनूप स्लीपिंग। निखिल, एक सेकेंड ना। हेलो सर। हेलो विवेक सर। हाँ बोलिए बोलिए। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो अभी। ओके ओके ठीक है।